हेलो दोस्तों, ये गाड़ी है मारुति की 800। और ये गाड़ी में जो हम इंजन ऑयल आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी कचड़ा सा निकल रहा है। और ये आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रानी के होम गैराज में। और आज की वीडियो इस इंजन के ऊपर है। जो आप ये इंजन ऑयल देख रहे हैं, इसका कलर कुछ अलग हो गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पूरा पानी मिक्स हो चुका है। तो जब इसमें पानी मिक्स हो गया तो इसका इंजन ऑयल ऊपर तक पूरा पीला पीला कलर का, बिल्कुल अलग कलर का ही दिख रहा है। तो इसमें इंजन ऑयल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, ये ख़राब हो चुका है बिल्कुल इंजन ऑयल इसका। और कारण भी मैं आपको दिखा दूँ, कारण इसका ये हेड गैस्केट पूरा फटा हुआ है, इसका गैस्केट पूरा ही ब्लास्ट हुआ पड़ा है। तो इससे हुआ क्या कि इसमें इंजन ऑयल और पानी मिक्स हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी काफ़ी दशा ख़राब हो चुकी है और हेड गैस्केट इसका बिल्कुल डैमेज हो चुका है। दोस्तों, ये हेड गैस्केट फटने का कारण ये रहा कि इसका जो वाटर पंप है वो लीक हो गया था। और वाटर पंप लीक होने से इसका पूरा कूलेंट बाहर गिर गया था, और कूलेंट जो बचा खुचा था उसकी वजह से गाड़ी गर्म हुई। और गाड़ी गर्म होने के बाद इसका हेड गैस्केट फट गया था। और हेड गैस्केट जब फटा तो इसका इंजन ऑयल और कूलेंट आपस में मिक्स हो गए। तो इस तरह का कुछ कचड़ा सा इंजन ऑयल बन गया इसका। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। और इसके बाद हमने करना क्या है कि ये जो हमारा डैमेज हेड गैस्केट है इसको निकाल लेना है। तो इसके बाद हम इसकी पूरी सफाई करेंगे। और इस ब्लॉक को साफ करने के बाद हम इसका हेड भी क्लियर करेंगे, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। दोस्तों होता क्या है, कई बार ये हेड जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो इसको हमें फेस कराना पड़ता है, लेकिन ये अभी चलने की स्थिति में है तो ये चल जाएगा, इसलिए हम इसको फेस नहीं करा रहे हैं। और जो वाटर पंप है वो हमने इसमें डाल दिया है, तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उस सीन को हमने दिखाया नहीं है। और जब हम हेड गैस्केट लगाएंगे तो इसमें हम ऑयलिंग कर लेंगे ताकि इसकी पकड़ ज़रा ठीक रहेगी। तो ऑयल लगा लेंगे थोड़ा हम इस पर। दोस्तों, जब हेड गैस्केट की समस्या गाड़ी में आती है तो गाड़ी का रेडिएटर से पानी ऊपर को उबाल मारता है, और जैसे ही हम सेल्फ मारेंगे तो गाड़ी का पानी ऊपर को उछलेगा। और कई बार बुलबुले आते हैं, तो अलग अलग तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। और आज इस गाड़ी में कुछ अलग ही समस्या थी, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये ऑयल और कूलेंट आपस में मिक्स हो गया था, तब ऐसा कचड़ा वाला हमें इंजन ऑयल दिखने को मिल रहा है। तो अब हम इस हेड को फिट कर तो लेते हैं। दोस्तों, फिटिंग करने से पहले आपको दिख ही रहा होगा कि हमने वाटर पंप चेंज कर लिया इसका, जिसमें मेन प्रॉब्लम थी। और इसके बाद हम इसका हेड बिठाएंगे। और हेड बिठाने के बाद हम इसकी टाइमिंग मिलाने वाले हैं। और टाइमिंग का वीडियो एक मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें हम टाइमिंग की डिटेल नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको टाइमिंग की डिटेल चाहिए तो। और इसके बाद इस हेड के सारे बोल्टों को हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो वाटर पंप है ये हमने नया डाल रखा है इसमें। और ये हेड का काम कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी टाइमिंग मिला ली है। तो टाइमिंग कुछ इस तरह से होती है इस गाड़ी की। इसका जो ऊपर का पुली होता है, इसका एरो से एरो आपने मिलाना है, जो कि यहाँ पे दिख पा रहा है। और जो नीचे है यहाँ पे भी एक निशान होता है,
नीचे की पुली में। तो होता क्या दोस्तों, वो कैमरे पे साफ दिखता नहीं है इसलिए उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और अब मैं इसके आगे की फिटिंग करूँगा। तो दोस्तों हमने इंजन की फिटिंग पूरी कर ली है और इसका जो ऑयल फिल्टर है इसको हम निकालेंगे। इसके बाद हम जो इसमें ऑयल फिल्टर लगाएंगे वो हम पुराना ही लगा रहे हैं, और इसमें हम पुराना ही इंजन ऑयल डालेंगे जो थोड़ा ठीक कंडीशन का होगा। तो पहले इस पुराने ऑयल फिल्टर को हम इस पर लगाएंगे और उसके बाद हम एक दो बार इसका ऑयल चेंज करेंगे, लेकिन हम इसको पुराने ऑयल में ही चलाएंगे। पुराना ऑयल हम डालेंगे इसमें गाड़ी से उतरा हुआ, और उसी को हम दोबारा चलाएंगे ताकि इसका जितना भी कचरा है पूरा इंजन ऑयल के साथ बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम एक दो बार इसका काला वाला ही इंजन ऑयल यूज़ करेंगे पुराना, और उसके बाद हम इसमें नया इंजन ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रानीहित होम गैराज को, और साथ ही बेल का आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं आगे और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं अगली इसी चैनल पे नई वीडियो के साथ। तो तब तक चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।